ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੌਪ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਡੀ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਦਸਤੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚੋ 70-80% ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RPF ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। कुंडी खोलो भाई, बताओ थाने से है? अरे मैं चौकी से हूँ, दरोगा जी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, मौजूद हैं सब लोग। हाँ अरे दरवाजा तो खोलिए आप। पुलिस जी बताइए। देखिए क्या समस्या है, क्या समस्या? गेट बोल रही है। आ जाइए। ये कौन है आपके? ये हमारे कजन है। कजन है? ये सुबह शाम रात को आते हैं? कब आए? चोरी छुपे। कौन आए रात? डेली आते हैं ये। कौन डेली आते हैं? ये आपके कजन जी? नहीं। क्या नाम है कजन का? राघवीन। पूरा नाम बताइए। राघवीन सिंह। पूरा नाम बताइए ना। राघवीन सिंह। आगे क्या है? चंदेल। हाँ चंदेल। अच्छा कजिन होता है यादवों का? हम तो यादव हैं, हमारा कोई कजिन चंदेल नहीं है। आप चंदेल कजिन हो गए यादवों के? वेरी गुड। आप भी कजिन बता रहे हैं? हम जानते हैं कजिन को, पूरे फैमिली जानता हूँ मैं। अच्छा, आप हमारी पत्नी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप डे नाइट को आते हो? ये हमारी बीवी है, ये हमारी पत्नी है। शादी मैं किया हूँ इनसे, शादी हम किए हैं इनसे, आप आ रहे हैं यहाँ पे डेली? हाँ पता है आपके चक्कर में हम कितना परेशान है ना? कब की थी शादी? शादी हमने कब की थी? कब नहीं की थी वो सवाल नहीं, वो सबको पता है किसने कब की थी। कब की थी शादी? हमने अकेले बाहर तुमसे डाइवोर्स का, इनसे मेरा केस चल रहा है बहुत दिन। हाँ, से मारपीट। डाइवोर्स कहाँ चल रहा है अभी? ठीक है, अभी डाइवोर्स कहाँ चल रहा है? 2020 से चल रहा है। 2020 से चल रहा है। इतनी सबकी वजह से मुझे फंसा दिया गया, कोई मैं रोकता टोकता था इन चीजों को तो मुझे फंसा दिया झूठे मुकदमे में। मैं पढ़ता हूँ 4 साल से, ये हम मौज मार रहे हैं अपना। मैडम देखिए, ये लेजेंड वकील साहब है, ये वकील साहब है ये। हाँ रहने वाले बेवर के हैं ये। नाम इनका राघव चंदेल है, इनका नाम राधा यादव, महिला कांस्टेबल है ये, हमारी धर्म पत्नी है। इनका ये चल रहा है शुरुआत से ही, शादी के बाद पहले चल रहा है, शादी के बाद चल रहा है। मैं उनको लगातार रोकता समझाता था कि आप ऐसा मत करिए, जो आपने पहले किया कोई बात नहीं, अब आप फेस रहिए, लेकिन नहीं रही। मैं ज्यादा रोका दोनों उठा के, अरे वो मेरी फैमिली पर। चलिए आप चलिए। हाँ हाँ कपड़ा पहनिए, आइए। ठीक है, इनसे हम कह रहा हूँ आप हमारे साथ रहिए या हमें छोड़ दीजिए। कपड़े भी चल रहे? बिल्कुल नहीं, कपड़े तो चेंज कर लो। इधर करो, कौन में जाके जगह इधर बैठ दे भैया, आप लोग चले जाओ थोड़ा बाहर। नहीं तो बीवी को मुझसे क्या करवाना? बाहर जाओ, इधर आ जाओ। नहीं मेरी तो बीवी मुझसे क्या शर्मा रही हो? कपड़े चेंज करो, मैं कौन देख रहा हूँ? वैसे तो कुछ शौक नहीं मुझे देखने का। आ जाओ, जब शादी हो तब ने उसने तो दिखाया, तो अब क्या फायदा? आओ वकील महोदय, बहुत दिन से तुम मौज ले रहे हो दूसरों के साथ। कहाँ घर पड़ता है बेवर में? बेवर के रहने वाले नहीं है। चलो चलो कहाँ रहने वाले हो? यही सब वो। अच्छा चलिए भैया, चलो हम लोग आ रहे हैं। हाँ आप रुक जाइए, आप आए खड़े उनको दे दीजिए इनको। आप दो दो रुक जाइए ना, वही तो आ जाए।
जब बुरा से इनको हो, अभी नहीं यही रोकना है इनको। आओ ताला मार दो। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।